सर मैं एक सेकंड पानी लेके आया। ठीक है। हाँ करण, हाँ मैं लोकेशन पर ही जा रहा हूँ, हाँ मैं कर लूँगा बात। ठीक तो? हाँ। लगता है बहुत जल्दी में था। कोई जल्दी में नहीं था, ये सारे अमीर ऐसे ही होते हैं। गाड़ी इन पे आई नहीं कि रोड पे प्लेन बना के चलते हैं। ऐसा नहीं है, सारे ऐसे नहीं होते हैं। सारे ऐसे ही होते हैं। अरे छोड़ना, हम तो ठीक है ना। वैसे क्या आप उस गाड़ी से आए हो? नहीं नहीं, मैं उससे नहीं आया, मैं तो अंदर खाना खा रहा था। मैं उस बाइक से आया था। जल्दी पहुंचने। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? सर वो आगे रास्ता खराब है, यहां से हमें पैदल जाना पड़ेगा। कोई नहीं, चलते हैं। और सर जो सामने बस्ती है वो इसी लाइन में आती है। ठीक है। तू एक काम कर, लोकेशन मैं देख लूंगा, तू गाड़ी के पास जा, मेरा वेट कर, मैं आता हूँ। और हाँ, ये कोट ले जा। आप दोनों यहीं रहते हो क्या? नहीं नहीं, हमारा घर यहाँ नहीं है, बस्ती की बाहरी कॉलोनी है, हम वहीं रहते हैं। पर मेरा बचपन यहाँ बीता है, तो हर रोज शाम को मैं यहाँ बच्चों से मिलने आ जाती हूँ। वैसे तुम इस बस्ती में? मैं यहाँ पे एक सर्वे के काम से आया हूँ कि यहाँ पे मतलब कितनी बस्ती है, कितने लोग हैं, उसका डाटा संभालने के लिए बस। ओह अच्छा, वैसे इस काम में मेरे भैया आपकी हेल्प कर सकते हैं। कैसे? मेरे भैया ने इस बस्ती को सालों से संभाला है, वो इस बस्ती के बारे में सब कुछ जानते हैं। पर मैं सुना है कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री खोलने वाली है। ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे भैया यहाँ किसी कंपनी को कोई फैक्ट्री खोलने ही नहीं देंगे, वो राजी ही नहीं होंगे। अच्छा तो मैं कब मिल सकता हूँ उनसे? तुम कल आ जाओ। कल यहीं? यहीं बस्ती के बाहर आ जाना। ठीक है, मैं मिलता हूँ फिर आपको कल। थैंक यू। जगह मैंने देख ली है, सही है। तो सर चलें? तेरे पास कोई पुरानी बाइक है? मुझे कुछ दिन के लिए चाहिए। हाँ हाँ सर, मेरे पे खुद की बाइक है ना। ठीक है, तो मुझे कल दे दियो। चल। अरे सचिन आ गया तू, आ बैठ। तो कैसी लगी साइड, आई ना पसंद? साइड देख क्या है, एकदम परफेक्ट है। पर तूने कहा था कि बस्ती वाले मान गए हैं फैक्ट्री की परमिशन के लिए, पर मैंने पता किया तो वो राजी नहीं है। हाँ वो बस्ती के कुछ लोग नहीं माने, बाकी सब मान गए, और उनकी भी तो टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूँगा। पर देख के हमें उन्हें फोर्स नहीं करना। अरे तू क्या बात कर रहा है यार, तुझे पता है ना मेरे काम का तरीका,
बाकी अगर कल तू फ्री है तो चलते हैं मीटिंग करने। हाँ कल, यार कल तो कुछ मुझे काम है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, परसों मीटिंग करें। चल ठीक है, परसों चलते हैं। हाय, तुम यहाँ? भूल गए, तुमने बुलाया था, भैया से मिलना है। अरे हाँ, चलो चलो। हाँ भैया, आपको टाइम लगेगा? ठीक है। क्या हुआ? यार भैया तो कह रहे हैं उन्हें टाइम लगेगा, तो वेट करेंगे तुम्हारे घर पे। यार घर की चाबियाँ भी उन्हीं के पास है। तो फिर क्या करें? एक काम करते हैं, तुम अपनी बाइक यहीं छोड़ो, तब तक मैं तुम्हें बस्ती घुमा देती हूँ। ये भी ठीक है, चल। लखो तू जुदा मैं हूँ या तेरी खातिर, तू ही मंजिल दिल तेरा मुसाफिर। लखा तू जुदा मैं हो या तेरी खातिर, तू ही मंजिल दिल तेरा मुसाफिर। रुदनु बुला बैठा तेरे करके, मैं हो गया काफिर। तेरे लिए मैं जहां से टकराऊंगा, सब कुछ खो के तुझको हिलाऊंगा। दिल पढ़ के मैं दिल धड़काऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। चलो सचिन, मैंने बताया था ना आपको उस सर्वे के लिए। हेलो सर, प्रीत ने बताया तुम्हारे बारे में। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए फाइल निकाल दिया, इसमें बस्ती वालों का डाटा है, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। खैर अच्छा लगा, सरकार ने कुछ तुम्हारी बस्ती के बारे में सोचा, वरना तो कितने आए और गए सिर्फ अपने मतलब के लिए। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है मैं निकलता हूँ अब। अरे अभी तो आए हो, खाना खा के तो जाओ कम से कम। मुझे कुछ काम है तो बस, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। चलो ठीक है, मिलके अच्छा लगा, आते रहना। ठीक। चल यार, पता नहीं मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं बात नहीं कर पाऊंगा। तो क्या करें, बाद में मीटिंग करें? नहीं नहीं तू बात कर लेना, मैं यहीं तेरा वेट कर रहा हूँ, तू जा। चल ठीक है, मैं बात कर लूँगा। हाँ तो फिर क्या सोचा, बहन की परमिशन दिलवाओगे या नहीं? इसमें सोचना क्या है, जो मेरा फैसला वही रहेगा। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? मैं तुम्हें इतनी अच्छी डील दे रहा हूँ, इतना अच्छा अमाउंट दिलवा रहा हूँ, फिर भी अपनी जीत पे अड़े हुए हो। देखो मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, जो तुम चाहते हो ना वो मेरे होते हुए कभी नहीं होगा, ना इस बस्ती पर कभी फैक्ट्री बनी थी और ना बनेगी। देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसी डील बार बार नहीं आती, और इस बस्ती में रखा ही क्या है? देखो अभी भी टाइम है, बस्ती वालों से बात करो और इस लैंड की परमिशन मुझे दिलवाओ। देखो ये बस्ती जितनी मेरी है उतने ही हर एक रहने वाले इंसान की भी है, मैं उनसे उनका घर नहीं छीन सकता, तुम जा सकते हो यहाँ से। इस बस्ती को तो मैं लेके ही रहूँगा और तुम्हें भी देख लूँगा।
क्या हुआ, बात बनी? हाँ हो गई, मैं तो पहले ही कह रहा था। सच में? चल ठीक है फिर निकलते हैं। अब हाय, तुम आज फिर से यहाँ? आज तो मुझे पक्का याद है, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। वो मैं एक सर्वे के काम से आया था, सोचा तुमसे ही मिल लूंगा। तो मिल लिया? हाँ। ओके बाय। अच्छा मैं क्या सोच रही थी, तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो मुझे घर ड्रॉप कर दो। हाँ मैं छोड़ दूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाओ। आज तो बहुत लेट हो गई। तो मैडम जी मैंने कहा था आइसक्रीम खानी है, अब हो गया लेट। अच्छा अब आएगी हो तो भैया से भी मिल लो। हाँ उनसे मिल के निकलता हूँ, तुम रुको मैं साइड लगाता हूँ। प्रीत तू कुछ नहीं बोलेगी? धोखेबाज साले, तुझे क्या लगा तू हम लोगों के बीच में हम लोगों की तरह बनकर रहेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा? तूने हमारा विश्वास तोड़ा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भैया ऐसा भी क्या कर दिया इसने, क्यों मार रहे हो, कुछ बताओगे? प्रीत तुम नहीं जानती आदमी कौन है, इस आदमी ने हमसे अपनी असलियत छुपाई है। ये कोई सर्वे वाला नहीं है बल्कि ये भी करण से मिला हुआ है, जो हमारी बस्ती खरीद कर वहाँ पे फैक्ट्री बनाना चाहता है। नहीं भैया आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रीत मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक है। भैया जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं? प्रीत तुम जैसे समझ रही हो बिल्कुल बिल्कुल वैसा नहीं है। बस हाँ या ना में जवाब दो। हाँ दोबारा अपनी शकल दिखाई ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। भागो यहाँ से। ये लो। अच्छा ये है पैसा? 50 लाख। अरे साला इतने में तो हम तालिबान खत्म कर देंगे। ठीक है चाहिए काम होने के बाद मिलो। देखो प्रीत जो कुछ भी है उसे भूल जाओ, अपने मन में रखने से कोई फायदा नहीं है। सारे अमीर लोग ना एक जैसे ही होते हैं, इन लोगों को सिर्फ अपना मतलब निकालना आता है और कुछ भी नहीं। क्या हुआ भाई जी, रास्ता क्यों रोका? भैया ए पीछे का हुआ भैया, लग गई का? वो का है ज्यादा जिद करना हमेशा से भारी पड़ता है। जब साहब जी ने कही थी कि सराफत से जमीन खाली कर दो तब तो तुम्हारी कान पे जून आ रहेंगी, अब भुगतो मारो रे साले। भैया
यहाँ किसके कहने पे आया था बता। करण भैया आप ठीक तो? हाँ मैं ठीक हूँ भैया। आई एम रियली सॉरी, ये सब मेरे पार्टनर ने किया है, पर आप टेंशन मत लो, उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे माफ़ी तुम क्यों मांग रहे हो? माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए जो मैंने तुम्हें समझने में इतनी बड़ी भूल कर दी। मुझे माफ़ कर दो सचिन। अरे नहीं भैया इसकी कोई जरूरत नहीं है, और मैं आपसे वादा करता हूँ इस बस्ती पर कोई फैक्ट्री नहीं बनेगी, यहाँ के लोगों को कोई नहीं निकालेगा, ये मेरा वादा है। और प्रीत आई एम रियली सॉरी, तुमसे मैंने अपनी पहचान छुपाई पर बाकी सब कुछ सच था। इट्स ओके एंड थैंक यू हमारी बस्ती और मेरे भैया को बचाने के लिए। सचिन मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी यार अकेले में। तो पैसों के लिए इतना गिर जाएगा मुझे ये उम्मीद नहीं थी। समझाया था ना मैंने कि हम बस्ती वालों को फोर्स नहीं करेंगे। पर यार थोड़ा सोच, मैं तेरा पार्टनर हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो गलत है वो गलत है। इंस्पेक्टर प्लीज। तुम्हें अभी भी दिक्कत है मेरे से या मैं पसंद आया? पसंद तो नहीं पर इतना कुछ किया है तुमने तो सोचूंगी तुम्हारे बारे में। तो क्या हाल है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और कमेंट कीजिए वीडियो का फेवरेट पार्ट। एंड गाइस अगर आप लग्जरी कार परचेज करने में इंटरेस्टेड है तो एक बार फ्यूजन कार विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दी, उनकी साइट पे जाओ चेक करो, अच्छे प्राइस में मिल जाएगी यार तुम्हें। और गाइस हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन, ठीक है? फॉलो करो, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।